हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, कई लोग मुझे कमेंट में बार बार कह रहे थे कि मैम आप थर्ड पार्टी पे बहुत टाइम से रीडिंग नहीं ले आई हैं, तो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी चेक करिए क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी जो भी हो आपके लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप उस हिसाब से रीडिंग को लीजिए। अगर आप अनमैरिड हैं और आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन या पेरेंट्स की वजह से इन्वॉल्वमेंट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उस हिसाब से लीजिए। सो दोनों के लिए रीडिंग है। कोई मुझे कमेंट में ये ना पूछे कि मैम क्या मैरिड होके देख सकते हैं या मैम कम पार्टनर के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। जो भी लोग थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम में हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे ये भी लिखते हैं कमेंट में कि मैम आप थर्ड पार्टी कौन है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि थर्ड पार्टी वो होता है जो पहले से रिलेशनशिप में है और कोई बीच में आके रिलेशनशिप को ख़राब करता है। दूसरा, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं और वो खुश नहीं है, हस्बैंड ने अपनी मर्ज़ी से किसी और को अपने लाइफ में लाने के लिए अप्रोच किया या वाइफ ने अपने मर्ज़ी से किसी और को अपने लाइफ में लाने के लिए अप्रोच किया, उस केस में हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रिलेशनशिप में हैप्पी है, उस रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व्ड है तो वो थर्ड पार्टी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत खुश है और कोई बीच में आ जाए, क्यों आएगा, कैसे आएगा। अगर कोई खुश है तो वो किसी और को आने क्यों देगा, राइट। सो ये चीज़ें आप ध्यान दिया करिए कि आजकल जो सिचुएशंस हैं उसमें ये दिख रहा है मुझे, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ में उतने हैप्पी नहीं हैं और उस वजह से वो बाहर किसी को पसंद करते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो उनका पिछला पास्ट है वो थर्ड पार्टी कहलाएगा, ना कि प्रेजेंट, ठीक है। और अगर आप दोनों अभी कपल हैं और कोई तीसरा पर्सन उसमें घुस रहा है तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो पाया हो। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी जो भी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी है, क्या चल रहा है करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट, डेथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन कौन है जो निकल कर आया है वो मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी सबसे पहले तो मैरिड हो सकते हैं आप में से कई लोगों के पार्टनर, या तो आप मैरिड हैं, या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, या तो दोनों मैरिड हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रेडिशनल वे में शादी हो चुकी है ऑलरेडी, डिवोर्स चाहते हैं। उस शादी में अगर हैप्पी नहीं है, उस शादी में अगर बिल्कुल भी किसी तरह की हैप्पीनेस नहीं है, तो यहाँ पे डिवोर्स दिख रहा है, जस्टिस दिख रहा है। सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है और बात डिवोर्स तक गई है। यहाँ पे या तो आपके पेरेंट्स, या तो आपके पर्सन के पेरेंट्स, या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड है, ये थर्ड पार्टी है। दूसरा, यहाँ पे फाइनेंशियल रीजंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा रिच हों, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हों, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, इतने लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं कि वो आपको समय ना दे पाते हों। पब्लिक इमेज भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है, लोग समाज सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं।
ये थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। दूसरा यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेसिक नेसेसिटी भी पूरी करने में उनको दिक्कत हो रही है, उसके सिचुएशन में वो आपसे शादी करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने लायक नहीं है, इस वजह से भी वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएंगे, तब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वेट करना पड़ रहा है आपको। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर ये मैरिड हैं तब तो ये ख़त्म करना चाहते हैं सिचुएशन। दूसरी थर्ड पार्टी यहाँ पे पेरेंट्स हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आप दोनों सिंगल हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में शादी कराना चाहते हैं, कास्ट इशू है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है या एज डिफरेंस है, फिर भी अगर सब सेम है तो भी कई बार पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है ब्रेकअप चल रहा हो या नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कोर्ट मैरिज करें, स्टैंड लें आपके लिए, आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, इसलिए आप एक दूसरे से अगर सेपरेट भी हो जाते हैं, मूव ऑन भी कर लेते हैं, ब्रेकअप भी कर लेते हैं, तो भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, स्पाई करते हैं, उनका स्टेटस देख रहे हैं किसी अननोन नंबर से या फेक अकाउंट बना के आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी में दिख रही है। आप चाहते हैं आपके पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली, लेकिन आपके पर्सन हैं कि आपकी तरफ स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है थर्ड पार्टी के साथ करंट एनर्जी। देखते हैं आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाएंगे। प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्या वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाएंगे, और अगर निकल पाएंगे तो कितना वक्त लग सकता है, प्लीज़ गाइड करें। लव बिगन्स बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले हमारे पास आया है थर्ड पार्टी का ही कार्ड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, टू ऑफ सोर्ड्स, पावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देन अगेन नंबर फाइव, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, ट्रूथ, चूज वाइजली, अथॉरिटी, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है फाइव, डबल फाइव आया है एंड डबल फोर आया है, लेकिन डबल फाइव पहले आया है इसलिए मैं डबल फाइव को ले रही हूँ। हो सकता है मई मंथ में ही कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएँ, पावर में आएँ और आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, और या तो फिर फाइव वीक्स फाइव डेज के अंदर किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो है, आपके पर्सन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हैं, परेशान हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, चॉइसेस हैं, इन्हें किसी एक को चूज़ करना है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भरे पड़े हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपको भी नहीं खोना है, ये सच्चाई जानते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपके लिए लव बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, अपनी पावर में आके अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। सो ये यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आने वाले टाइम में, विद इन फाइव वीक्स फाइव डेज या मे मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और वो स्टेप भी लेना चाहते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आने वाले टाइम में, अगर पहले ये डरते थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, आने वाले टाइम में ये पावर में आएंगे, जो कि आप चाहते हैं, पावर में आके ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। सो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में। देखते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं।
लेट्स स्टार्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। बॉटम ऑफ द डेक है वेट। पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है आपने और इवन अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए इफ़ यू बिलीव। पॉजिटिव रहिए, बिलीव करिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कभी भी आपको लगे कि किसी दोस्त की ज़रूरत है, किसी बड़े की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आप ज़रूर लें। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करिए। पास्ट में अगर कुछ हुआ है ऐसा, या कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके साथ, या कोई नेगेटिव मेमोरीज़ हैं आपके दिल दिमाग में, तो उन्हें लेट गो करिए। कम्युनिकेट क्लियरली। जब भी आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करिए। फोकस रहिए कम्युनिकेशन पे। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाले टाइम में अबंडेंस आएगी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। लुक फॉर अ साइन। जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा या आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले होंगे, आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगा और आपको एंजल्स भी किसी तरह की साइंस देंगे या सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होने लगेंगी, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, तभी आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। ज़्यादातर कार्मिक्स ये रीडिंग्स नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनके भाग्य में नहीं होता है। सो अब देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस लेते हैं। पहले मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से लेंगे और फिर हम दूसरे मैसेजेस लेंगे। मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। आई एडोर यू सो मच। आपके पर्सन आपको बहुत एडोर करते हैं। आई एम फेड अप। हो सकता है आप ज़्यादातर लोग फेड अप हो गए हो, इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो। कितना इंतज़ार करना है, कब ख़त्म होगी ये डिस्टेंस, कब आएंगे वो पर्सन। ऑब्वियसली जब आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा तभी आएंगे। मैंने नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग की थी और विद इन 24 आवर्स आप में से कई लोगों के कमेंट उसमें पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है जितने मैं पढ़ पाई हूँ कमेंट। सो ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेज मैंने देखा है मई मंथ में रिसीव हुए हैं, और मैं विश करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जिन्हें नहीं रिसीव हुए हैं उन्हें भी अभी मई मंथ बचा है और उनका रीयूनियन हो, उनकी तरफ उनके पर्सन आए ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशंस ख़त्म हो। यू मोटिवेट मी। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे उन्हें मोटिवेशन मिलती है। लीडरशिप। हो सकता है आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो या आपके पर्सन में किसी तरह की अथॉरिटी हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। ब्लेस्ड। आप लोग ब्लेस्ड हैं, भगवान की एंजल्स की ब्लेसिंग है, तो विश्वास करिए खुद पर इस जर्नी पर। लॉन्ग डिस्टेंस। हो सकता है आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मिल भी ना पाते हो, इवन कोरोना पीरियड में और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ना हो मिलने की। विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, सो बिल्कुल निश्चिंत रहें। एंड द लास्ट कार्ड इज़ जनवरी। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो या जनवरी में कुछ स्पेशल हुआ हो, कोई मेमोरीज़ हों आपकी। सो कुछ और मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, फर्स्ट है यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है आपके पर्सन को। फिर है यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा जानते हो ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते रहते हो ये आपको घंटों तक घूर सकते हैं, ये आपसे कह रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज़। इन्हें आपकी आईज़ बहुत पसंद है, ये आपकी आँखों में डूब जाते हैं। सो ये है आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आने वाला टाइम भी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।